अभी इधर अप्रैल महीने में हमारे पास जो है वनाग्नि के अलर्ट्स अधिक संख्या में प्राप्त हो रहे हैं, और ये हमारे कुल जो है 8 या 9 प्रभाग हैं जहाँ पे घटनाएं ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं हमें। कुमाऊँ में अगर हम बात करें तो नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, इन डिविजन्स में जो है ज़्यादा अलर्ट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। और गढ़वाल की बात करें तो लैंसडाउन, गढ़वाल और नरेंद्र नगर इन डिविजन्स में हो रही हैं। लेकिन हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं इन प्रभागों में जहाँ हमारे पास अलर्ट ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं। इनमें जो हमारे मैन पावर है उसको भी बढ़ाया गया है, फायर वॉचर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है, और इसी के साथ साथ नैनीताल में NDRF की भी एक टीम आई है, वो भी हमें जो है वन विभाग के कर्मचारियों के साथ में वनाग्नि नियंत्रण की कार्रवाई कर रही है। तो जितने भी हमारे पास अलर्ट्स आ रहे हैं, जहाँ से भी सूचनाएं आ रही हैं वनाग्नि की, तत्परता से उस पर जो है कार्रवाई हो रही है। जब हमारी टीम गश्त कर रही थी और पिरूल साफ सफाई का काम कर रही थी, बांज के पत्तों का साफ सफाई का काम कर रही थी, तो खिरसू रेंज, खिरसू अनुभाग में, पौड़ी रेंज नागदेव में हमारी टीम द्वारा कुछ शरारती तत्वों को, 5 लोगों को आग जलाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, और उनको जो है हम लोगों ने भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत उनके विरुद्ध अपराध निर्गत किया है, और उनको जो है CGM किस कोर्ट में पेश किया गया है, उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई होती माने। वर्तमान में तापमान में वृद्धि होने के कारण और अत्यधिक पिरुल गिरने के कारण फील्ड काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील हो गया है, और कई जगह मानव जनित आग है, तो लोग खेतों में आड़ा फुकान कर रहे हैं, और कई शरारती तत्वों द्वारा भी जंगल में आग लगाई जा रही है। तो इसी के क्रम में वन विभाग की टीम पूरी तत्परता से जहाँ भी हमको FSI से अलर्ट्स मिल रहे हैं वहाँ पर हम लोग फील्ड पे जा रहे हैं, और हमारे वन कर्मी एवं फॉरेस्ट वॉचर्स, फॉरेस्ट फायर वॉचर्स उस आग को बुझाने का कार्य कर रहे हैं। निरंतर रूप से उच्चाधिकारी भी जो है फील्ड पर जा रहे हैं, कल परसों निरंतर हम लोग फील्ड पर जा ही रहे हैं, और बांझ के जंगल हो चाहे चीड़ के जंगल हो, उनको बचाने का हमारा कार्य गतिमान है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।